नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेजिंग ऑफ कैंसर। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ग्रेडिंग ऑफ कैंसर, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। स्ट्रेजिंग ऑफ कैंसर जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि स्टेजिंग हम लोगों को किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगी, दैट इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ मेटास्टेसिस, कि किसी भी कैंसर का मेटास्टेसिस कितना हुआ। अब देखो, कल हमने जब ग्रेडिंग पढ़ी थी तो ग्रेडिंग के अंदर मैंने बताया था इट्स अ सेलुलर मेथड ऑफ डायग्नोसिस, और अगर हम लोग जब स्टेजिंग की हम लोग बात करते हैं दैट इज अ क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ डायग्नोसिस को हम लोग बोल सकते हैं। इट्स स्टेजिंग इज द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ डायग्नोसिस, क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ डायग्नोसिस। और क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ डायग्नोसिस किसका है? डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कि किसी भी पर्सन के अंदर जो कैंसर हो रही है उस कैंसर का क्लिनिकल एस्पेक्ट से अगर आपको डायग्नोसिस करना है तो हम लोगों को किसको देखना पड़ेगा, दैट इज रिलेटेड टू दी स्टेजिंग। अब देखो, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं, दूसरा इसके अलावा हम लोग इसके अंदर स्टेजिंग के अंदर क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ मेटास्टेसिस, कि कोई भी कैंसर है वो कितना मेटास्टेसिस हुआ है, कि वो अपनी पर्टिकुलर जो एक ऑर्गन है वहां से कहां कहां तक स्प्रेड हुआ है उसको हम लोग देखने के लिए जो टेक्निक काम आएंगे दैट इज द स्टेजिंग ऑफ कैंसर। देखो बेसिकली जब स्टेजिंग की बात करेंगे देर विल बी फाइव स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज आती है दैट इज द स्टेज जीरो, फर्स्ट वन स्टेज आती है दैट इज द स्टेज जीरो। देखो स्टेज जीरो को हम लोग बोलते हैं दैट इज द कार्सिनोमा इन सीटू, कार्सिनोमा इन सीटू। अगर टीएनएम क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू टीएनएम क्लासिफिकेशन अगर हम लोग स्टेज जीरो को नॉट आउट करना चाहें तो हम लोग बोलेंगे टी इज एन जीरो एम जीरो, कि ट्यूमर कार्सिनोमा इन सीटू है, निम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है और मेटास्टेसिस वहां पे प्रेजेंट नहीं है, उस वाली स्टेज को हम लोग बोलेंगे स्टेज जीरो। देन आती है स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट के अंदर देखो पहली स्टेप के अंदर था कार्सिनोमा इन सीटू, और स्टेज फर्स्ट के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा लोकलाइज्ड ट्यूमर ग्रोथ। इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा दैट इज द लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड ट्यूमर ग्रोथ। और लोकलाइज्ड ट्यूमर ग्रोथ के लिए अगर हम लोग बोले कि कोई भी ट्यूमर होगा, कोई भी कैंसरस ट्यूमर होगा दैट इज पर्टिकुलरली पर्टिकुलर जिस एक लोकलाइज्ड एरिया के अंदर है वहां पे अगर स्प्रेड हो रहा है दैट स्टेज कम्स अंडर द स्टेज फर्स्ट। अगर टीएनएम क्लासिफिकेशन की हम लोग यहां पे बात करें दैट इज द टी वन एन जीरो एम जीरो। देखो टी ट्यूमर, ट्यूमर यहां पे प्रेजेंट है और कैसा ट्यूमर है, लोकलाइज्ड ट्यूमर है, तब हम लोग जो टीएनएम क्लासिफिकेशन उसके अंदर टी का स्कोर देंगे वन। कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि ट्यूमर कैसा है, लोकलाइज, तो एन जीरो। और मेटास्टेसिस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ट्यूमर कैसा है, लोकलाइज, तो मेटास्टेसिस में हम लोग क्या देंगे, जीरो। देन आता है स्टेज सेकंड, स्टेज सेकंड। देखो फर्स्ट स्टेज के अंदर कार्सिनोमा इन सीटू था, सेकंड के अंदर लोकलाइज ट्यूमर था, अब सेकंड स्टेज के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटेड लोकल स्प्रेड, लिमिटेड लोकल स्प्रेड। अब जो कैंसर है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया बट लिमिटेड स्प्रेड हो रहा है, अब हम लोग इसका स्कोर देंगे टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर टी टू, क्योंकि ट्यूमर है वो स्प्रेड हो रहा है, लिमिटेड है बट स्प्रेड हो रहा है। अब देखो स्प्रेड हो रहा है तो लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा तो एन वन दे देंगे, बट मेटास्टेसिस यहाँ पे नहीं हो रहा, लोकलाइज स्प्रेड हो रहा है, तो हम लोग एम यहाँ पे जीरो देंगे। अब देखो अगर यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर कि स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड की कैंसर सेल है, तो उसके अंदर इस कंडीशन के अंदर हम लोग जो लीजन्स है स्टेज के अंदर जो लीजन्स है वो ऑपरेबल भी हो सकते हैं और रिसेक्टेबल भी हो सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड की जो ट्यूमर है उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अबव फर्स्ट और सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की जो ट्यूमर है वो दोनों कंडीशन के अंदर हमारे पास ऑपरेबल भी होगी और यहाँ के जो लीजन्स है वो ऑपरेबल भी होंगे और रिसेक्टेबल होंगे। फर्स्ट और सेकंड स्टेज के जो लीजन्स है ये लीजन्स ऑपरेबल भी होंगे, ऑपरेबल का मतलब हम लोग उसको ऑपरेशन भी कर सकते हैं, दूसरा उसको रिसेक्टेबल, रिसेक्टेबल भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देन हम लोग बात करते हैं दैट इज द स्टेज थर्ड की। देखो स्टेज सेकंड के अंदर हमारे पास क्या था, लिमिटेड लोकल स्प्रेड, और स्टेज थर्ड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक्सटेंसिव लोकल एंड रीजनल स्प्रेड, एक्सटेंसिव लोकल एंड रीजनल, एक्सटेंसिव लोकल एंड रीजनल स्प्रेड। लोकल स्प्रेड होगा उसके साथ साथ नियर बाय सराउंडिंग स्ट्रक्चर के अंदर होगा, तो अगर हम लोग इसका टीएनएम क्लासिफिकेशन जिसका स्कोर देंगे
तो जो ट्यूमर है वो ट्यूमर यहाँ पे कितना, देखो T2 यहाँ पे दिया, तो हम लोग ट्यूमर का स्कोर कितना देंगे, T3, N2, और मेटास्टेसिस रीजनल लेवल पे होना स्टार्ट हो गया, तो हम लोग तो मेटास्टेसिस का स्कोर है वो कितना देंगे, दैट इज द M0। यहाँ पे मेटास्टेसिस हो रहा है बट इतना नहीं हो रहा, तो हम लोग स्कोर मेटास्टेसिस का यहाँ पे भी कितना देंगे, M0। अब देखो अगर हम लोग बोले कि स्टेज फर्स्ट और सेकेंड के लीजन्स को हम लोग ऑपरेट भी कर सकते हैं, रिसेप्टेबल भी कर सकते हैं, बट अगर स्टेज थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो जो लीजन्स है ऑपरेबल हो सकते हैं बट रिसेप्टेबल यहाँ पे नहीं होंगे। स्टेज थर्ड के जो लीजन्स है वो ऑपरेबल है, स्टेज थर्ड के जो लीजन्स है, लीजन्स ऑपरेबल तो है, लीजन्स को हम लोग ऑपरेबल तो कर सकते हैं, ऑपरेबल है बट नॉट रिसेप्टेबल, नॉट रिसेप्टेबल, रिसेक्टेबल, रिसेक्टेबल नहीं है, नॉट रिसेक्टेबल। देन हम लोग बात करते हैं स्टेज फोर्थ की, स्टेज फोर की, अगर स्टेज फोर की हम लोग बात करें तो स्टेज फोर के अंदर हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंडेड मेटास्टेसिस, क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंडेड, डिस्टेंडेड मेटास्टेसिस की फुल्ली मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस डिस्टेंडेड मेटास्टेसिस यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे TNM क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्कोर दे तो ट्यूमर का कितना हो जाएगा कि फुल्ली मेटास T4, लिम्फ नोड इन्वॉल्व N3, और मेटास्टेसिस हमारे पास क्या होगा M1। ये था रिलेटेड टू स्टेजिंग ऑफ कैंसर। देखो यहां से रिलेटेड तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टेजिंग ऑफ कैंसर किसको आइडेंटिफाई कराएगा हम लोगों को, दैट इज द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ डायग्नोसिस। पहली चीज हमें बताएगा क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ डायग्नोसिस या डिग्री ऑफ मेटास्टेसिस बताएगा। देन स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो लीजन्स होंगे दैट आर ऑपरेबल एंड रिसेक्टेबल, और स्टेज थर्ड के अंदर जो लीजन्स बनेंगे दैट आर ओनली ऑपरेबल नॉट रिसेक्टेबल। ये कुछ इंपॉर्टेंट था रिलेटेड टू दी स्टेजिंग ऑफ कैंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।